आमिर खान का एक वीडियो इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रिया चक्रवर्ती के साथ बात कर रहे हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसा हुआ कि आमिर खान रो पड़े और रोते रोते उन्होंने कुछ बातें कही। रिया चक्रवर्ती इस दौरान उन्हें निहार रही थी। रिया ने खुद इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया। उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा, आमिर खान के साथ चैप्टर 2 एपिसोड 2। उनके जैसे व्यक्ति को इतना कमजोर और ईमानदार देखकर बहुत खुशी हुई। पूरा एपिसोड मेरे YouTube चैनल पर देखें। आमिर खान इस दौरान अपने करियर और परिवार की दूरियों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक एक्टर के तौर पर मैं करीब 30 साल से काम कर रहा था। इन फिल्मों की दुनिया में इतना खो गया था कि मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं बैठ के सोचूं अपनी जिंदगी के बारे में। जो मेरे आसपास के नजदीक के लोग थे उनको 30 साल से मैंने वक्त नहीं दिया। मेरी अम्मी, उनकी उम्र हो रही है, मुझे पता नहीं कितना वक्त है मेरा उनके साथ। अपने दर्शकों के साथ हंसा हूँ, उनको मैंने हंसाया है, उनको रुलाया है। मेरे बच्चों के दिल में क्या है वो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगा रिया, वो वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मुझे किसी ने इसके बारे में बताया नहीं। मुझे खुद एहसास हुआ कि जो वक्त गुजर चुका है वो दोबारा वापस नहीं आएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।